कृषि मंत्री जी ने विषय उठाया है और ये कहा है कि यहाँ कोई अगर सोयाबीन के उत्पादक लोग बैठे हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सोयाबीन की फसल का जो पैसा मिल रहा है वो सबसे ज़्यादा है। मैं कृषि मंत्री जी को संबोधित करके कहना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश सोयाबीन की बहुत बड़ी फसल उगाता है और मेरे क्षेत्र में सोयाबीन बहुत उगता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि पिछले 3 साल से सोयाबीन की फसल पाले से बर्बाद हो रही है। इधर संबोधित करें जी, आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अध्यक्ष जी पिछले 3 बार से सोयाबीन की फसल पाले से बर्बाद हो रही है। थली पूरी होती है, अंदर दाल का दाना नहीं होता बिल्कुल, लेकिन पाला चूंकि प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं है तो पैसा मिलना तो दूर, सुनिए, पैसा मिलना तो दूर, मुआवजे की राशि उनको नहीं मिलती क्योंकि पाला प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं है। तो चूंकि आपने सोयाबीन के किसानों के बारे में कहा कि उन्हें पैसा बहुत मिल रहा है, मैं उनका दर्द इस सदन में रखना चाहती हूँ। 3 बार से सोयाबीन की फसल बर्बाद हो रही है और पाले के कारण हो रही है, लेकिन चूंकि पाला प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं है इसलिए उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, वहां का किसान रो रहा है।